तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा है एवरेज। ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या तो वो 10th 9th 12th जो भी क्लास कर रहा हो और या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो सबको एवरेजेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बेसिक अरिथमेटिक में आता है। ये अरिथमेटिक का है और बेसिक मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे एवरेज होता क्या है और इसे सॉल्व, इसे क्वेश्चंस कैसे कैसे, आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस एवरेज के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। एक हम देखेंगे कि कैसे एक जनरल मेथड जो होता है उसका भी यूज करके देखेंगे, और कैसे ट्रिक्स या शॉर्टकट्स जो होते हैं, शॉर्टकट्स या ट्रिक्स कुछ होते नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही तो शॉर्टकट और ट्रिक होता है। अच्छे कॉन्सेप्ट को ही क्या कहते हैं, शॉर्टकट या ट्रिक। तो वही हम देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैसे हम एवरेज इक्वेशंस को किसी भी एग्जाम में फास्ट और कुछ बिल्कुल विद इन मिनट, कुछ सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आज हम देखेंगे एवरेज में। सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज होता क्या है। एवरेज यानी कि हिंदी मीडियम वालों को भी लिख दो, औसत, ठीक है, औसत, एवरेज। तो हम देखेंगे औसत होता क्या। हम हमेशा देखते हैं, बात करते हैं, अरे यार तुम्हारी गाड़ी एवरेज कितना देती है माइलेज, को एवरेज कह लेते हैं। तो एवरेज कहने का मतलब क्या होता है हमारा, तो वो कहता है कि 70 किलोमीटर प्रति लीटर। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि कोई इवेंट हो रहा है, जैसे गाड़ी चली, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार वो क्या देगी एकदम बिल्कुल 70 किलोमीटर प्रति लीटर ही वो क्या एवरेज दे रही हो बार बार, जब चली 70 किलोमीटर 1 लीटर खर्च हुआ, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इवेंट्स हैं लेकिन आउटकम क्या हो सकता है, अलग अलग, तो उन्हीं आउटकम्स का क्या होगा, एक मीन वैल्यू निकालेंगे हम, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। मीन वैल्यू इन द सेंस कि मतलब इतने सारे जो आउटकम्स हैं उनको हमने देखा और उनमें से देखा कि ये जो है, ये वैल्यू जो है इनमें सबसे फिट बैठ रही है। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, इसी के आसपास, इस वैल्यू के आसपास ये क्या कर रही है, ये क्या दे रही है, एवरेज दे रही है या माइलेज दे रही है, उसी को हम क्या कह लेते हैं, एवरेज। समझिएगा इस बात को। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्ट करना जब है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे, मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, उनका हम लोग को मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। जैसे मैंने ले लिया, इजी से नंबर ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, जैसे 8, 10। तो इनका अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो एवरेज मुझे पता है, फॉर्मूला तो सबको पता है, क्लास 8-9 का टॉपिक है। तो एवरेज क्या होता है, अगर इनका एवरेज निकालना है तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर, जो है जो गिवन नंबर है उनका टोटल नंबर क्या है, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे 10, 8, 18, 18, 7, 25, 25, 5, 30, 30, 3, 33, 34 अपॉन 5, या 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां से हम तो निकाल लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये चूंकि ये नंबर क्या है, बहुत इजी है और हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मुंह जबानी या हाथ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे तो हम एवरेज निकाल लेंगे, लेकिन तब क्या होगा, जब नंबर्स बड़े होंगे, तो नंबर जैसे जैसे बड़े होते हैं, यहीं पे हमारा एवरेज का यूज, वो जो शॉर्टकट्स और ट्रिक्स जो हम लोग सीखते हैं उसका यूज क्या होगा, अभी हम सीखने वाले हैं कैसे जब नंबर्स बड़े होंगे तो उनका एवरेज आसानी से निकाला जा सकता है विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन होने वाले हैं ना, ऐसे हम करेंगे तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस और उस प्रोसेस में कंपैरिजन भी करके देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो अभी समझते हैं हम, जैसे मैंने क्या किया कि क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये नंबर्स है, ठीक है, और एक हो गया आपका 712, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, ठीक है।
तो एक काम करता हूँ मैं, अभी हमने फॉर्मूला तो देख लिया, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स तो मुझे पता है 10 है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ भी क्या करूंगा, मैं एक काम कर सकता हूँ कि सबको ऐड करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ऐड करना इतना आसान तो है नहीं, देख रहे हैं। अब मान लीजिए ऐड करना 681 को 698 में ऐड करेंगे, फिर 691, 695, 688 ऐसे ऐड करेंगे, तो प्रोसेस क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, अभी एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे कि कोई भी दो नंबर्स होंगे, जैसे 1 और 100 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनका अगर एवरेज निकालना होगा, तो एब्सोल्यूटली श्योर है, वी हैव टू बी श्योर कि एवरेज जो होगा 1 से 100 के बीच के सभी नंबर्स का, वो क्या होगा, 1 से 100 के बीच में ही होगा, ठीक है। ये क्लियर है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे इसको ईजी बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं, देखिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 681 है, सबसे बड़ा नंबर 721 है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एवरेज जो होगा मान लूंगा कुछ, मानने का मतलब है कि 681 और 721 तक मैं कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ मान सकता हूँ कि 1 से 100 का जो नंबर है उसी के बीच में कोई होगा, 99 से लेकर 2 के बीच में, या 1.1 से 99.99 जो भी नंबर हो वो इन्हीं के बीच में होगा एवरेज इसका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं देख रहा हूँ 681 और ये 721 है, ठीक है, तो इसके बीच का कोई नंबर मैं मान लेता हूँ। ये प्रैक्टिस से क्या होगा, फास्ट होगा, तो प्रैक्टिस से फास्ट 681 और 721 के बीच का कोई नंबर मैंने माना। जैसे मैंने मान लिया यहाँ देखा कि ये 700 अगर मैं मान लूँ तो 700 मेरे लिए ईजी है कहना भी, ठीक है, 700 बोलना मेरे लिए ईजी है, लिखना भी आसान है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 700 मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 700 मैंने मान तो लिया, अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, अब इसको मैंने 700 एवरेज माना है, अब मैं देखूंगा कि 700 से कितना कम है। देखिए कैलकुलेशन कैसे कम हो रही है, मैंने देखा कि यहाँ 19 कम है, यहाँ 700 से -2 कम है, यहाँ क्या है -9, यहाँ है -5, यहाँ -12, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 17, प्लस में 17 है, देखिएगा 700 से कितना अधिक है। अब क्या हुआ, ये 700 से 21 अधिक है, ये 700 से 9 अधिक है, और ये 700 से 12 अधिक है, ठीक है, देख सकते हैं। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे देखना है कि 700 से टोटल कितना अधिक है, उसके बाद जो भी अधिक होगा उसको क्या करूंगा, मैं टोटल नंबर जो भी है उससे डिवाइड कर दूंगा तो हमारा एवरेज आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे, यहाँ देखा मैंने कि यहाँ -19 है और ये -2, अब इनको ऐड किया -21, यहाँ पे हम देख सकते हैं +21 है, कुछ नहीं करना है, बस ये -21 इस +21 से कट गया, ठीक है, ये +9 इस -9 से कट गया, ठीक, ये -2 इस +12 से कट गया, -12 +12, ठीक। अब मेरे पास क्या बचा, ये -5 भी बस +5 से कट गया, यानी ऊपर का जो माइनस में था सारे प्लस वाले से कट गया एक्सेप्ट 17 के, यानी मेरे पास बच गया क्या 17, ध्यान दीजिएगा, यानी मेरे पास बचा कितना है 17, यानी कि 700 से कितना अधिक है, 700 मैंने माना है इनका एवरेज, तो 700 से कितना अधिक है 17, तो 17 कितने में बटेगा, ये ध्यान दीजिएगा कि बटना है इसको, अब इस नंबर को क्या करना है सभी में बटना है, ठीक है, इक्वली, तभी हम क्या कर पाएंगे एवरेज निकाल पाएंगे। तो इसको कितने में बांटना पड़ेगा, 10 में, नंबर्स कितने हैं आपके 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस कुछ नहीं करना है, यानी कि 700 + 1.7 इज योर एवरेज। यही तरीका हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा हमें, हम केवल टू डिजिट में आ गए, टू डिजिट में भी किसमें 19 2 ऐसे कर गया, और क्या हुआ कुछ कट गए और कुछ जो बचे उनको क्या किया हमने सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आ गया कितना, यानी कि इनका एवरेज 100 नंबर का कितना है 701.7, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो ये सबके लिए है, ठीक है, समझना होगा आपको कैसे हम इसका आगे यूज करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसको यूज करता हूँ, चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और उन पे जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो भी हम सीखते चलेंगे, कैसे कैसे हम उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मुझे पूछा है कि द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, यानी मुझे पूछा है कि जो भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मैंने हिंदी में शायद इसको अभाज्य संख्या कहते हैं,
तो जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उन 30 से 50 तक के बीच में, उनका क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। ये इजी क्वेश्चन है। ये क्या हो सकते हैं, जैसे जो प्री मेंस वाला चलन है आजकल एग्जाम्स में, तो उनमें प्री में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो एक एक नंबर के इजी क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये हम अभी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम और हार्ड क्वेश्चंस, जो टफ क्वेश्चंस होंगे उनको उठाएंगे, ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इजी वाला देख रहे हैं। तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। तो एक बात बताइए, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 30 से 50 के बीच में, तो 30 से 50 से के बीच में अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी होती हैं? क्या 31 है? बिल्कुल है। क्या 32 है? नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। क्या 33 है? बिल्कुल है, नहीं है, सॉरी, क्योंकि 3 से डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल स्वयं से या 1 से डिविजिबल हो। अभी हमने क्या किया था, देखिए प्राइम नंबर्स ये सब समझने के लिए क्या होगा, हमारे चैनल पे क्या है, नंबर्स का पार्ट 1 पड़ा हुआ है, बिल्कुल जाइए और देखिए, क्लियर होगा कि नंबर्स कैसे कैसे डिफाइन किए गए हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब होते क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्या होते हैं, आप वहाँ समझ लेंगे, ठीक है। तो 31 प्राइम नंबर है, 33, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, क्या 37 है? बिल्कुल है। क्या 38 है? नहीं है। 39, 40, 41 है, 42, 43, 43 है, 44, 45, 46, 47 है। और कोई नंबर है 30 से 50 के बीच में? बिल्कुल नहीं है, ठीक। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल दोनों कॉन्सेप्ट, चूंकि ये टू डिजिट नंबर्स हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उस वाले तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 31 और 47 के बीच में कोई नंबर, हम मान लेते हैं 40 मान लेते हैं, ठीक है, इसी के बीच में कोई एवरेज आना है अभी, तो 40 मान लेते हैं, ठीक है। तो 40 अगर मैंने एवरेज माना, तो मैंने देखा कि 40 से कितना कम है, -9 है, ये कितना कम है, -3 है, ये कितना अधिक है, +1, ये कितना अधिक है, +3, ये +7। तो अब हम, मैं अगर सबको ऐड करूं, तो -3 + 3 कट गया, 7 1 8, 8 -9 -1, ठीक है, यानी कि मेरे पास बचा कितना, -1। अब इसको क्या करना है, मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने में, 5 में, यानी 40 माइनस, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो 40 माइनस क्या होगा, 0.2, यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा, 39.8 आपका औसत होगा उन अभाज्य संख्याओं का जो कि 30 से 50 के बीच में है, ठीक है। आई होप ऐसे करता हूँ क्लियर होगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 लगातार ऑड नंबर्स का क्या करना है, हमें औसत निकालना, नहीं, 4 लगातार ऑड नंबर्स का औसत आपको दिया हुआ है 24, और लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ये भी वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी इजी नहीं है, देखते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इजी नहीं होगा, उनको यहाँ पे समझना होगा। ये समझ लिया आपने, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक। तो मैंने जब देखा कि एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी 4 लगातार ऑड नंबर्स जो भी होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी समझ रहे हैं ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से विभाजित नहीं होते हैं, वही क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं हमारे। तो इन 4 ऑड नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है हमें 24, ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ एक काम कर लो, मान लो अगर पहला नंबर x है, तो कोई भी ऑड, जैसे ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 यही तो होते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2, 2 का डिफरेंस है, तो 2, 2 का डिफरेंस पे और जो बाकी नंबर्स उनको मान लिया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी तीसरा, और ये क्या हो जाएगा, सातवां, ठीक, अरे सॉरी चौथा। अब इनका क्या दिया हुआ है हमें, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी 4 नंबर्स हैं, उनको क्या किया हमने, उनका सम करके क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया, तो अब ये क्या होगा, इसको दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है, ठीक है, 24 दिया हुआ है। अब क्या किया मैंने, ऐड कर दिया, तो 4x प्लस 4 2 6 6 6 12 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं 4, फिर ये हो जाएगा 24, ध्यान देते रहिए। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, क्या ये 4x + 12 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है,
तो इस 4 से ये 4 कटेगा जब, तो x प्लस 3 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 24। x हमारा क्या आ गया 21 आ गया और लार्जेस्ट नंबर मुझे पूछा है तो x प्लस 6, तो x प्लस 6 मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा। 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल। यानी कि 21, 23, 25 और 27 जो नंबर है उनका एवरेज कितना है? 24 है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे आंसर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर करिएगा, जो भी नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी। जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि दो नंबर्स के बीच में ही उनका एवरेज लाई करने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ यहीं पे कि अगर कोई भी नंबर एपी में होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, जैसे 1, 2 और 3 है, ये क्या है, लगातार संख्या है। जब लगातार संख्याओं की बात करूंगा तो लगातार संख्या मैंने कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है एक एक के डिफरेंस पे हो सकता है 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ऐसे डिफरेंस पे हो। तो उनका एवरेज अगर 3 नंबर है तो सीधा हम कह सकते हैं 2 होगा। कैसे होगा, देखिए 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 / 3 कितना हो जाएगा ऐड करने पे 2 आया। अब मैं ये कहूँ और ये दो नंबर बढ़ा दिया मैंने, यहाँ से भी एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, भी हम समझेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 है, इनको ऐड किया 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15 को 5 से किया 3। क्या ये बीच वाला नहीं आ रहा है? ये बताइए, जब इन तीनों को किया तो ये आया, इन पांचों को किया तो ये आया। यानी कि जब भी लगातार संख्याएं हो और उनका उनकी संख्या क्या हो, ऑड हो, यानी 3 हो, 5 हो, ऐसे करके 7 हो, तो जो बीच वाला टर्म हो, यानी बीच वाला कहने का मतलब अगर 3 है तो इसके इधर 1, इसके इधर 1 बचाओ, 5 है तो ये जो बीच वाला है इसके इधर 2, इसके इधर 2, यानी ये बीच वाला है, वही उसका क्या होगा, औसत होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, लेकिन वही हम मैं अगर बात करूं 1, 2, 3 और 4 ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, और मैं कहूं कि एवरेज इसका निकालना है तो एवरेज इसका 4 × 7 = 10, 10/4 = 2.5, ठीक। लेकिन अगर मैं मुझे इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करके निकालना होगा, और ये संख्या क्या है, इवन नंबर्स हैं। नंबर क्या है, इवन नंबर है ना, क्योंकि 1, 2, 3, 4 संख्या है, तो वो 4 क्या होता है, इवन होता है। यहाँ पे क्या था, 5 और 3 थे तो बीच वाला टर्म, लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टर्म्स जो होंगी 2 टर्म्स बनेंगी, ऐसे मिडिल टर्म जो होगा वो 2 होगा, 2 इन द सेंस कि इसके इधर लेफ्ट में देखे तो 1 बचा, इसके इधर देखे तो 1 बचा, यानी ये दोनों मिडिल। अब इनका जो वो होता है एवरेज या औसत जो होगा 2 + 3/2 = 2.5, यही हमारा क्या हो गया, एवरेज होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ फॉलो करेंगे, हमसे कहा था, तो हम देख रहे हैं कितनी चीजें सीख रहे हैं इसके साथ, एक ही क्वेश्चन में कई चीजें सीखने को मिली, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि औसत 4 लगातार ऑड नंबर से क्या था, ऑड संख्याओं के 4 लगातार जो थी उनका एवरेज 24 था, तो हम ये कह सकते हैं कि 24 जो होता है, अगर किसी का एवरेज होगा तो ये मान सकते हैं हम कि 23 और 25 का हो सकता है, 23 25 जोड़ेंगे तो 48 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। यानी अगर दो नंबर्स का एवरेज 24 है तो हम ये कह सकते हैं वो दो संख्याएं 23 और 25 हैं, ठीक है, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक। 23 और 25 दो नंबर्स हो गए। अब ये दो नंबर्स क्या हैं? जैसा कि यहाँ हमने देखा कि अगर जो संख्याएं हम जोड़ रहे हैं उनका संख्या क्या हो, इवन हो, इवन संख्या हो, यानी 4 था यहाँ पे, यहाँ भी बोला है 4, तो उनके दो बीच वाले, यानी ये 23 है, ये 25 है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे इसको तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये एक नंबर ये 21 होगा, एक नंबर क्या होगा, 27 होगा। तो बीच वाले का जो एवरेज था वही तो हमारा 24 था, और संख्या क्या है, ऑड है, ऑड का मतलब एक क्या होगा, एक पहले घटाएंगे और इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इनका भी एवरेज क्या है, 24 है। तो और इस वाले चारों का एवरेज 24 है और इसका भी एवरेज 24 है, जो कि हमने यहां से सीखा, इन चारों का भी एवरेज 2.5 था, इसका भी एवरेज 2.5 है। तो हम बिना पेन उठाए भी कर सकते थे, हमने देखा 24 के किन दो ऑड नंबर्स का हो सकता है एवरेज औसत, तो हमने बताया कि 23 और 25 का हो सकता है, 23 25 यानी अब 4 नंबर्स हैं, तो 23 25 बीच के दो नंबर है, एक पहले 21 हो गया, बाद वाला 27, इसका भी क्या होगा, 24।
डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कैसे इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस करने में, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये जो हम कर रहे थे इससे भी क्या हो गया, ये कितना आसान हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। ठीक, हमने क्या देखा, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन करते हैं अगला। इसने कहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 50, मान कि 5 के पहले 50 मल्टीपल्स को क्या करेंगे, क्या कर रखा है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालना है जब, यानी कि 5 के मल्टीपल्स माने 5, 10, 15, यही तो होते हैं, 20, ये क्या है हमारे 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही कितना कहा है, ये 5 × 1 है, ये 5 × 2 है, ठीक, ये 5 × 3 है, ऐसे कितना कहा है 50 मल्टीपल्स, यानी कि हमें कहा है 5 × 50, ये कितना बन जाएगा 250, यानी कि हमें 5 से लेकर जो 250 तक आ रहे हैं उनका क्या होगा, उनका हमें औसत निकालना है, ठीक। फर्स्ट 50 मल्टीपल्स यही तो बनेंगे, तो इनका हमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने में कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इनको क्या करना था, ऐड कर देना था, और क्या कर देना था, जो भी आया उनको क्या करना था, जो जितने नंबर से 50 है उससे डिवाइड कर देना था, ठीक है। ये क्लियर है आपको, अभी यही तो पढ़ा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कितना होगा, 5, 10, 15, 20, कहां तक ले जाना, 250 तक, क्योंकि 250 ही क्या होगा, पहले 50वां, पहला ये 50वां मल्टीपल है 5 का, ठीक। अब इसको 50 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, कैसे जोड़ पाएंगे, अब सारे जिनको नहीं पता होगा कि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे 1+2+3+.10, उनके लिए क्वेश्चन क्या होगा, बहुत कठिन हो गया। तो यहां से हम देखने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है, 1+2+3+.n तक अगर ये नंबर जा रहा है, यानी कि इसका सम कितना होता है, n × (n+1)/2, ठीक है। तो n + 1/2, क्या ये फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, कैसे, अब मैंने क्या किया, 5 को कॉमन कर दिया, सब में से 5 निकाल दिया, तो 1+2+3 कितना आ गया, ये कहां तक जाने वाला है, 5 × 50, यानी कि 5 × 50 तक, अपॉन ये कितने नंबर से टोटल 50 है। अब ये 5 से 50 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये 1 से 50 तक नंबर है, तो इनमें क्या किया, इसको क्या किया, यानी ये एन की जगह क्या है 50 है, वैल्यू मैंने एन की जगह 50 रखी, तो 50 × 50+1 51/2 कितना निकल गया है आपको, यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं, ये 2 से क्या हुआ 25 बना, 25 से कम 25, 25 5 125, ये आएगा 127, 1275 इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यानी कि फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 5 का, पहले लगातार 5 जो मल्टी 5 के मल्टीपल्स हैं 50, उनका एवरेज कितना आ गया 1275, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन करेंगे जी, मान लीजिए रीमा एक लड़की है, उसने क्या किया 100 नंबर में डिफरेंट सब्जेक्ट से उसने एग्जाम दिया, और उसने क्या किया 100 में 65, 67, 76, 82 और 85 नंबर स्कोर किया। ये बिल्कुल पहला वाले कॉन्सेप्ट पे होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज निकालना होगा, औसत निकालना है, तो सबको ऐड करो और क्या करो डिवाइड कर दो 5 से, क्या ऐसे करेंगे हम, नहीं ऐसे नहीं करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, हमने देखा 65 है, ये 85 है, इसके बीच में कोई नंबर मान लिया, मैंने मान लिया 75, सबसे सेफ मैं रहूंगा 75 मान लिया, देखा मैंने कम सबसे ये है
ये अधिक है सबसे, इसके बीच का कोई नंबर मानना था मुझे तो 75 मैंने मान लिया। अब मैं देखूंगा ये -10 है, ये -8 है, ये 75 से 1 अधिक है, ये 75 से 7 अधिक है, ये 75 से 10 अधिक है। तो क्या ये 10 से -10 से कट गया, ये +8 -8 से कट गया, समझ रहे हैं? इसका एवरेज क्या हो जाए, यहाँ तो बहुत ईजी हो गया, इसका एवरेज डायरेक्ट हम निकाल लिया, कितना हमने 75। क्या कुछ करना पड़ा, ऐड करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये कितने 5 सेकंड में लगन होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो इससे परेशान नहीं होना है कि ये बहुत इजी है। इजी है, लेकिन जिनको आता है उनके लिए, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनके लिए क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, अभी अभी के लिए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अलग से सीखने वाले हैं हम, अभी देखेंगे हम कैसे करते हैं। इसमें कहा है कि औसत जो मार्क्स पाए गए हैं, 3 बैचेस के लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई क्लास है, उसमें क्या है 3 सेक्शंस होंगे, उनमें क्या हुआ है कि एक सेक्शन का एवरेज मार्क क्या है, औसत जो है 55 है, अगले का 60 है, और क्या है सेक्शन ए का, सेक्शन बी का और सेक्शन सी का 55, 60 और 45, ठीक है। अब हमने ये कहा गया, ये तो मार्क्स हैं, लेकिन ये क्या है, अब ये नंबर की बात कर रहे हैं। इसमें सेक्शन ए में कितने लड़के हैं, 40, ये जो है उल्टा है, इसने क्या किया है, एवरेज जो दे रखा है वो दिया है 50, 55 और 60, ठीक है, 50, 55 और 60 दिया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 55, 60 और 45, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो हम जानते हैं कि एवरेज इसका, अगर मुझे औसत निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे प्लस इसको इससे और इसको इससे, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या करना होगा, ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये था, अगर मुझे एवरेज निकालना है सबका तो मैं क्या करूँगा, 50 × 55 प्लस 55 × 60 प्लस धन 60 × 45 बटे में क्या करूँगा, मैं जो नंबर है उसको क्या करूँगा, 50, 60 और 45 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटा वटा लूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसे करेंगे, ये क्या हार्ड नहीं हो जाएगा हमारे लिए, कैलकुलेशन कर लें, 50 × 55, 55 × 60, 60 × 45, ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक चीज सीखने वाले हैं कि रेशियो जो एवरेज है, सॉरी एवरेज जो है वो क्या करता है, वो जो टोटल नंबर है उन पे अलग अलग डिपेंड ना करके उनके रेशियो पे, समझ रहे हैं, उनके अनुपात पर डिपेंड कर रहा है। अभी एक एग्जांपल छोटा लेके मैं समझा दूंगा कैसे। तो यानी कि इस इन तीनों का रेशियो क्या है, इनका अनुपात क्या है, ये मैं कह सकता हूँ, 5 से अगर करता हूँ 11, इसको 12, इसको 9 कह सकता हूँ मैं। तो अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हुई, 50 × 11 55 × 12 प्लस 60 × 9 करूंगा मैं, अपॉन कर दूंगा 11, 12 और 9। यहां से थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। वहां मैं क्या करूंगा, जैसे कि 50 × 11 प्लस 55 × 12 प्लस 60 × 9 अपॉन 11 प्लस 12 प्लस 9। मैंने ऐसा क्यों किया, क्या क्योंकि क्योंकि मुझे 11 और 12 और 9 का टेबल याद है, ठीक है। मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूँ आसानी से, ना कि 55, 60 और 45, 55, इनका मुझे टेबल लंबा पड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मुझे 11, 12 और 9 का तो पता है, यहां से मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए कुछ नहीं करना, 11 × 5 = 50, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 66 और यहाँ पे 540 डिवाइड कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 21, ये 32 हो जाएगा। इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको हमने क्या किया, कम में कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, यहाँ से क्या समझा हमने, कि ये जो रेशियो पर डिपेंड कर रहा है, ना कि एग्जैक्ट नंबर्स पे,
ठीक है, इस पे भी हम आए क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे इजी करके सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल रेशियो पे कैसे जो तीन लाइन में होने का था वो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। उस वाले लेक्चर में और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ये तो बहुत ईजी थे, बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं जो समझना चाहते हैं औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, ठीक है, उनको क्या होता है, उनके लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक, अच्छा एक चीज लग रहा है, जैसे कि वहां पे क्या था कि 50 × 51/2 × 10 था, ऐसा था ना वो जो हमने क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 के, तो ऐसा कुछ आया था हमारा। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, ये 127.5 आएगा, ना कि 1275। ये 10 मैं लिखना भूल गया था आगे, ठीक है, वहां पे सही कर लीजिएगा, 127.5 होगा। एक क्वेश्चन है जो डाउट में क्वेश्चन पूछा गया था, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा अपने से, वीडियो पॉज करके, फिर यहाँ पे मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। x^4 + y^4 + x²y² = 481। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 12। अब मुझे कहा है कि फाइंड करना है मुझे, क्या मैंने किसका पता लगाना है, x² + y² - xy। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 16, 13, 15 और 113। ठीक है, यहां से आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल हर एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें क्या हो रहा है, ये ट्रेंडिंग पे बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में से एक है। ठीक, इस बार एसएससी का, ये रेलवे के एग्जाम्स में ये आ सकता है बिल्कुल, अभी नया नया चले हैं। ठीक, तो वो इसमें क्या करेंगे हम, जिसने भी डाउट पूछा था बिल्कुल देख लेगा, पहले खुद से ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। अब मुझे क्या करना है, ये ऑप्शन थे 16, 13, 15 और 113, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन 16, 13, 15, 113। ठीक, अब मुझे करना है क्या है, मैं ये देख रहा हूँ x^4 + y^4 + x²y² की वैल्यू कितनी है, 481 है, तो मैं x^4 + y^4 + x²y² को मैं इतना लिख सकता हूँ। देखिए क्या इन दोनों में कोई अंतर है, क्या कोई अंतर है, ये घट के फिर यही तो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं देख रहा हूँ इतना क्या है, x² + y² का होल स्क्वायर नहीं है, अब -x²y² = 481। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये a + b² - a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, अब मैंने क्या किया, a + b - b, a - b में तोड़ दिया, +xy। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, x² + y² - xy = 481। ठीक है, मुझसे पूछा क्या गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, एक चीज समझिए, दोनों तरीके हम सीखेंगे, एक तो जो कन्वेंशनल मेथड है बिल्कुल सॉल्व करते हुए, और एक तरीका है जो बिल्कुल देखते ही यहाँ पे मुझे पता चल जाता कि अच्छा पूछा क्या है मुझसे। ठीक, ये पूछा है, यहाँ पे मुझे आ गया, अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो नंबर दिया हुआ है मुझे इतना, उसका ये जो है उसका फैक्टर नहीं है, देखिए तो ये सॉल्व करने पे यही तो आ रहा है, x² + y² - xy इसमें आ रहा है, यानी ये जो नंबर है जो मुझे फाइंड करना है वो इस गिवन इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो अब 481 का फैक्टर होना चाहिए, तो देखते ही कोई बच्चा, ठीक है, जिसको क्या करना है, बिल्कुल सॉल्व कर देना है, ठीक है, 5 से 10 सेकंड्स में, वो क्या करेगा, अब देखेगा कि यार इसका फैक्टर है, अब इसमें देखेगा कि कौन सा इसका फैक्टर होने वाला है, इसका फैक्टर कौन सा है, तो ये सीधे सीधे दिख जाएगा यहाँ पे कि 13 इसका, 13 39, 13 7 91, यानी कि ये नंबर जो है 13 × 37 है,
यहां से आपको दिख जाएगा, इसका आंसर तुरंत टिक मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगर दो ऑप्शंस मैच कर रहे होते तब क्या होता, तब क्या होता कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कॉमन है दोनों में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, एक्स वाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दो ऑप्शंस अगर 481 से कटने वाले होते, जैसे 13 और 37 दोनों दिया होता और मुझसे ये पूछ रहा होता या ये पूछ रहा होता, ये पूछ रहा होता तो मैं साफ साफ कह देता कि यहाँ से दिख भी रहा है मुझे कि इन दोनों के बीच में क्या है। एक बात बताइए, ये अधिक है ये कम है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता था ये 37 होगा ये 13 होगा, यहाँ से कह सकता था कि नहीं, बिल्कुल कह सकता था। तो दोनों ही मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, चाहे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले। अब एक बात बताइए, अगर मुझे कन्वेंशनल मेथड से करना होगा तो कन्वेंशनल मेथड से मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा मेथड है, आपको क्या होगा ये मेथड सीखने होंगे, ठीक है। जिस किसी ने भी पूछा ये क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं तो क्या कर सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब ये मैं देखता कि ए माइनस बी करने पे 2xy आ जाएगा, ध्यान से समझिए, इसको इसमें से घटाएंगे, तो घटाया तो ये घट के 2xy आ गया। अब मुझे 2xy की वैल्यू दी हुई है, यानी कि मेरा ए माइनस बी कितना आ जाता, 24 आ जाता, 2xy 24 हो जाएगा, xy 12 है तो 2xy कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब ए भी मुझे दिया हुआ है, ए इंटू बी कितना दिया हुआ है, 481। यहाँ से भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो ए 37 और बी 13 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, यहाँ देखिए 37 माइनस 13 भी 24 होता है, 37 इंटू 13 481 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे हम एवरेज के कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस, कई लेक्चर्स बनेंगे एवरेज पे, शॉर्ट रखेंगे हम वीडियोस को ताकि क्या हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और आप वीडियोस को इंटरेस्टिंग रूप से, इंटरेस्टिंग तरीके से देख पाएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स अपने देते रहिए।